इंदौर से छतरपुर जा रही यात्री बस रायसेन के दरगाह पर बीती रात अनियंत्रित होकर रिजनी नदी में गिर गई। बस में 45 लोग सवार थे। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बुधवार की देर रात ओम साईराम ट्रेवल्स की यात्री बस इंदौर से छतरपुर जा रही थी। बस दरगाह के पास रिझन नदी के पुल में अनियंत्रित होकर 50 फीट नीचे नदी में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और एसपी मोनिका शुक्ला सहित पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा और देर रात ही स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि पुलिया के पास गड्ढा है, जिसमें तेज रफ्तार बस का पहिया आने से बस अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गई, जिस कारण यह हादसा हुआ है। हादसे में कुछ यात्रियों के पानी में बहने की खबर भी सामने आ रही है। जब बस गिरी थी तो ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। बस के गिरते ही चीख पुकार मच गई। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।